वेलकम बैक टू 3D मोबाइल। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे चार फ़ोन हैं और सारे के सारे फ़ोन 4G है और 4G से कनेक्टेड है, और साथ में एक अंडा है जो कि उसे मैं बीच में रख दिया हूँ। और मैं एक फ़ोन से चार के चार फ़ोन पे मैं कॉल कर दूँगा, यानी एक फ़ोन से तीन फ़ोन पे कॉल करके एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस कर लूँगा। और ये प्रोसेस करीब मैं 6 घंटे के लिए कर रहा हूँ। इसके लिए हम फ़ोन को फुल चार्ज कर लिए हैं और देखेंगे कि रेडिएशन के वजह से अंडे में कुछ बदलाव होती है या नहीं होती है। तो इसलिए वीडियो को पूरा आप देखेंगे, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो लाऊं तो आप तक पहुंच पाए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी मैं 1x1 हर एक मोबाइल को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि ये जो चारों फ़ोन चारों के चारों पे मैं कॉल कर लूँगा और कॉन्फ्रेंस में मैं लेने वाला हूँ। और बीच बीच में फ़ोन कटेगा भी तो मैं फिर से वापस कनेक्ट कर दूँगा। ऐसे करके हम करीब 6 घंटे मैं रेगुलर इस फ़ोन को यूज करने वाला हूँ, यानी और बीच में अंडे है, क्योंकि अंडा के साथ क्या होता है ये सब कुछ मैं आज देखूँगा और मैं आपको बताऊँगा क्या होता है। वीडियो को अंत तक देखिए। तो फाइनली सब कुछ रेडी हो चुका है और चारों के चारों फ़ोन एक दूसरे से कनेक्टेड है, और हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी फ़ोन डिसकनेक्ट ना हो। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक का जो बटन है उसे प्रेस करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और चैनल पर नहीं तो वो तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। तो अभी हम करीब 5 से 6 घंटे वेट करेंगे कुछ इसी तरीके से। बीच बीच में फ़ोन कट भी हो सकता है तो हमें रिकनेक्ट भी करना पड़ सकता है। तो मैं वीडियो को स्किप करने वाला हूं और मिलता हूं मैं 6 घंटे बाद। अभी कॉल कंटिन्यू रहेगी और देखेंगे कि अंडे का क्या हाल होता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, देखेंगे कि ये जो चारों मोबाइल का साउंड कुछ अलग तरीके से, ध्यान से आप अगर नोटिस करते तो आपको समझ में आएगी। हाँ। तो फाइनली 6 आवर कंप्लीट हो चुका है और मैं देखने वाला हूँ कि अंडे के साथ क्या कुछ हुआ या नहीं हुआ। वैसे मेरे ख्याल से अंडे के साथ कुछ बदलाव हो चुका है, और फ़ोन के वजह से यह बदलाव हुआ है, यानी कि रेडिएशन के वजह से, या फिर यहाँ पे ज़्यादा टम्परेचर है इसके वजह से हुआ है। क्या आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अंडा लीक हो चुका है, और जिस तरीके से आप ऑमलेट बनाते हैं तो अंडा सूख जाता है ना, उसी तरीके से लीक होके इसमें से कुछ इस तरीके का निकल के आया है। तो इसे मैं अच्छे तरीके से फोड़ के देखने वाला हूँ क्या किस तरीके का अंदर का क्या पोजीशन है अंडे का। तो सबसे पहले इसे मैं फोड़ के देख लेता हूँ क्या हुआ है इसमें। वैसे ऊपर से आप देखें तो पूरा सा ऐसे लग रहा है ना कि पूरा 100% सीज गया है। आप साइड में देख रहे हैं व्हाइट कलर का, यानी कि वो जैसे कि उस पर हीटिंग पड़ा है, उस तरीके से पूरा सीझा टाइप का है। करीब 6 घंटे तक हम इस एक्सपेरिमेंट को किए हैं तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आया हमारे सामने। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।